जल यानी पानी जीवन का मुख्य आधार है। हमारी धरती का 71% भाग पानी से घिरा है। इसे वाटर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इन 71% पानी का 97% हिस्सा महासागरों में है, 2% भाग पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जमा है और 1% भाग हमारे उपयोग में। कुल मिलाकर इनका प्रतिशत देखें तो 100 हो जाता है। कुल मिलाकर सागरों की बात करें तो प्रशांत महासागर में 49%, अंटार्कटिक महासागर में 25.7%, हिंद महासागर में 20.5% और आर्कटिक महासागर में 3.9%। इन 100% में अगर खारेपन की बात किया जाए तो प्रत्येक 1000 यूनिट में अगर 35 यूनिट नमक है तो उसे पानी खारा माना जाता है। यह खारा पानी हमारे उपयोग लायक नहीं है। पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रति व्यक्ति आंकड़े के मामले में प्रथम 3 स्थान पर कनाडा, रूस और म्यांमार है। भारत का 8वां स्थान है। फिलहाल देश में उपलब्ध अगर हम जल की बात करें, यह खपत के लिहाज से है तो 1955 में प्रति व्यक्ति 5277 घन मीटर जल उपलब्ध था। वहीं 2001 में यह घटकर 1816 घन मीटर हो गया। 2011 में 1544 घन मीटर, 2021 में यह आंकड़ा 1486 घन मीटर का है। अभी हम अपने भारत देश की बात कर लें तो लगभग 40% से अधिक सूखे के संकट में त्रस्त हैं। 30 तक बढ़ती आबादी के कारण पानी की आपूर्ति से मांग दुगनी हो जाएगी। इसे हम पूरा करने में असमर्थ होंगे और लाखों लोग पानी के संकट का सामना करेंगे। अगर अभी बात करें तो आपके सामने यह अफ्रीका है, देख लीजिए जल संकट किस तरीके से है। यह जल संकट का अभी शुरुआती दौर है। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, जल संकट और निरंतर गहराता चला जाएगा। यह कुछ उदाहरण जो अफ्रीका का थोड़े देर पहले दिया, अपने देश की आबादी आप देख लें। यह आबादी के हिसाब से दुनिया का 18% आबादी हमारे देश में निवास करता है और 4% पानी यहाँ उपलब्ध है। पानी का जो प्राकृतिक चक्र है उसके हिसाब से
हमें जल संरक्षण करना होगा, नहीं तो इन बढ़ती हुई आबादी का हम जरूरत पूरा नहीं कर पाएंगे और आने वाले समय में जल संकट देश के सामने एक गंभीर समस्या पैदा करेगा। 2030 तक 8-10 सालों की बात मान लें तो यह समस्या आपके सामने आ रही है। अभी से अगर चेते तो शायद आने वाले समय में पानी हम लोग अपने लिए बचा पाएंगे, अन्यथा क्या होगा यह तो समय ही बता सकता है, इसे हम नहीं बता सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।